सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभाग बंटवारों का अनुमोदन कर दिया, जिसका जिक्र भी अभी पंकज सोनी जी कर रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। तो देखिए, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है लेकिन विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में हमें जानकारी ये मिली है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के बंटवारे का अनुमोदन कर दिया है। जिस तरीके से दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो अब विभागों के बंटवारे का भी इंतजार खत्म होने जा रहा है। जल्दी ही भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के बंटवारे का अनुमोदन कर दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। निर्मल जी और पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। निर्मल जी, पंकज जी अब इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि राज्यपाल की तरफ से विभागों के बंटवारे का अनुमोदन कर दिया गया है, तो फिर इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद किसको कौन सा विभाग मिलेगा, तो देखिए, निर्मल तिवारी और पंकज सोनी हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। निर्मल जी, अभी जिक्र ही पंकज जी कर रहे थे इस बात का कि राज्यपाल की तरफ से विभागों के बंटवारे का अनुमोदन कर दिया गया है, पूरी जानकारी दीजिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए दीपिका, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इसीलिए है कि सबसे पहले सूचना हम देते हैं। सबसे पहले हमने ये भी बताया था कि कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री होगा, और आज सबसे पहले हम ये भी बता रहे हैं कि विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसका राज्यपाल ने अनुमोदन कर दिया है। देखिए, भजनलाल शर्मा के साथ साथ दो उप मुख्यमंत्री यानी दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली थी। उसके बाद जो 22 मंत्री हैं उनको अलग से शपथ दिलाई गई, जिसके अंदर 12 कैबिनेट थे, जिसके अंदर 5 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री चुने गए। पंकज, किसको क्या विभाग मिलना था, लंबे समय से इंतजार था, और आज ऐसा मौका चुना जब शाम को संगठनात्मक बैठक होनी है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे, उससे पहले विभागों का बंटवारा कितना सार्थक होगा और कितना तार्किक है? देखिए, ये बिल्कुल सही है, सही मौके पर जो सही निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल ने लिया है, प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, उनसे उनके आने से पहले विभागों का बंटवारा जो राज्य सरकार करने जा रही है उसका अनुमोदन हो चुका है, लिस्ट थोड़ी देर में आपके सामने होगी। बेहद मानी के सही समय पर उठाया हुआ कदम है, क्योंकि अमित शाह जैसे ही जयपुर की धरती पर पहुंचे वैसे ये मैसेज आता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने विभागों का बंटवारा कर दिया। ठीक है, निर्मल जी, रोक ली। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी हमारे साथ फोन पर मौजूद है। योगेश जी, बेहद अहम है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के बंटवारे का अनुमोदन कर दिया, यानी कि किसी भी वक्त भी सूची आ सकती है विभागों के बंटवारों की? देखिए, बड़ी खबर है और ये जिस खबर का बहुत प्रतीक्षित इंतजार था, जिसको लेकर सुर्खियां थी कि किस मंत्री को क्या डिपार्टमेंट होंगे, मुख्यमंत्री के पास कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे, डिप्टी सीएम जो बने हैं उनके पास कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे, मंत्रियों के पास कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे, और विभागों के आवंटन को लेकर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। जो फॉर्मली प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है, तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के आवंटन पर जो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो अपने मंत्रियों को विभागों को लेकर जो फाइल राजभवन भेजी थी उस पर स्वीकृति राज्यपाल कलराज मिश्र की हो गई, अनुमोदन हो गया है। कुछ ही देर में वो जो लिस्ट है हमारे सामने होगी, और जिस तरह से सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने संकेत दिए थे और आज तमाम जो विभागों के आवंटन को लेकर वो सूची जो है कुछ ही पलों में हमारे सामने होगी। लेकिन एक बड़ी खबर है राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, जो मंत्री बनाए गए हैं उन मंत्रियों को, तमाम मंत्रियों को डिपार्टमेंट अलॉट हो चुके हैं और अब अपने पोर्टफोलियो के साथ वो मंत्री हमें कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल योगेश जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री का आना, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसे में राज्यपाल की तरफ से विभागों के बंटवारों का अनुमोदन होना, प्रस्ताव का अनुमोदन होना, ये क्या बताता है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, गृह मंत्री अमित शाह का आगमन और उसके बीच में पोर्टफोलियो वितरण का आगमन कहा जा सकता है कि पेंडेंसी रखने का अर्थ नहीं। पहले पेंडेंसी हुई मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर, और अब जब विभागों का आवंटन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्योंकि पूरी की जानी चाहिए थी समयबद्ध रूप से, तो उस दिशा में अब भजनलाल सरकार आगे बढ़ी है। जी बिल्कुल, और योगेश जी, ये पेंडेंसी की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैसेज भी इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि एक तरफ विभागों का बंटवारा, साथ में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आज बैठक भी लेने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय में ही। देखिए,
ये बात सही है, प्रधानमंत्री जब बैठक लेंगे शाम को तो जो नए मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, पूरी जो टीम है जो भजनलाल शर्मा की, वो मंत्रीगण अपने पोर्टफोलियो के साथ आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन होगा, बैठक होगी विधायक दल की, उसमें जो तमाम मंत्री हैं भजनलाल सरकार के, वो मंत्री अपने डिपार्टमेंट्स के साथ नजर आएंगे अपने पोर्टफोलियो के साथ। योगी जी मैं रोक रही हूँ, जरा RIC से अपडेट है कुछ, शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, ऐसी जानकारी मिली है कि दिया कुमारी को वित्त मंत्रालय दिया गया है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि दिया कुमारी वित्त मंत्री होंगी, उनको PWD मंत्रालय भी दिया गया है दिया कुमारी को। इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय भी दिया कुमारी को दिया गया है, जो कि उप मुख्यमंत्री है कन्हैया लाल। ठीक है शिवेंद्र, लौटेंगे हम आपके पास। योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश जी अपनी बात को पूरा करिएगा, और जिस तरीके शिवेंद्र बता रहे हैं ऐसा होता है तो बड़ी बात है, और बड़े विभाग है ये। देखिए, अगर दिया कुमारी को वित्त मंत्रालय देने की बात शिवेंद्र कर रहे हैं तो ये राजस्थान के इतिहास की बड़ी घटना होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही अपने वित्त विभाग को अपने पास रखते हैं। लास्ट जो वित्त मंत्री थे राजस्थान की सरकारों में, वो चंदनमल बैठ रहे थे। योगी जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, शिवेंद्र सिंह परमार के पास चलते हैं। शिवेंद्र बताइए जरा, क्या जानकारी आपके पास है, कुछ अपडेट है क्या? फॉरेस्ट मंत्रालय मिला है संजय शर्मा जो अलवर शहर से विधायक है, संजय शर्मा उनको मिला है फॉरेस्ट, उनको वन मंत्री बनाया गया है संजय शर्मा को, और संजय शर्मा को मिला है फॉरेस्ट। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण पंचायती राज मंत्री बनाया गया, ये सूचना फर्स्ट इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिल सकती दीपिका, सिर्फ फर्स्ट इंडिया के पास ये सूची उपलब्ध है। किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है, ये सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं खबर कि किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीण पंचायती राज मंत्री होंगे, संजय शर्मा को वन मंत्री बनाया गया है, ये बड़ी खबर है। कन्हैया लाल जो कि मालपुरा से जीते हैं, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनको PhD मंत्रालय दिया गया है जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि जो ऑफिशियल लिस्ट है वो थोड़ी देर में जारी होगी, लेकिन एक एक करके जो नाम है वो हमारे पास आ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो कि वरिष्ठ विधायक हैं, सवाई माधोपुर से जीते हैं, और उनके पोर्टफोलियो पर सबकी नजर थी कि किरोड़ी लाल मीणा को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, तो उनको जो मंत्रालय मिला है वो मिला है ग्रामीण विकास और पंचायती राज। संजय शर्मा जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उनको वन मंत्री बनाया गया है। ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सरिस्का जो कि एक बड़ा टाइगर रिजर्व है वो अलवर में ही आता है, संजय शर्मा वहीं से MLA बने हैं, उनको वन मंत्री बनाया गया है। और जैसा हमारे सूत्र कह रहे हैं कि दिया कुमारी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको वित्त मंत्रालय दिया गया है, यानी कि राजस्थान में कई वर्षों के बाद ये परंपरा टूटेगी कि विधानसभा में जो बजट पढ़ा जाएगा दीपिका वो मुख्यमंत्री नहीं पढ़ेंगे, वो वित्त मंत्री अलग से पढ़ेंगे। राजस्थान में ये परंपरा चल रही थी, चाहे वो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी या वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो बजट पढ़ते थे बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास था। लेकिन पहली बार जो वित्त मंत्री है वो इंडिपेंडेंट बनाए हैं, जैसे हमारे सोर्स कह रहे हैं कि दिया कुमारी को ये मंत्रालय मिला है, उनको PWD भी दिया गया, यानी कि उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी वो बहुत पावरफुल बनकर उभरी है, जिस तरीके से उनको दो बड़े डिपार्टमेंट दिए गए हैं। और ये भी संयोग है कि जिस समय DGP कॉन्फ्रेंस चल रही है, इतना बड़ा इवेंट है जयपुर में, उस समय प्रदेश में सबसे बड़ी खबर आई है कि मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं। और ये मैं धीरे धीरे और भी नाम हमारे पास आ रहे हैं सूत्रों के अनुसार, वो हम बता रहे हैं, लेकिन बहुत अहम है किरोड़ी लाल मीणा का मंत्रालय जो सवाई माधोपुर से MLA हैं, उनको मिला है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री होंगे किरोड़ी लाल मीणा दीपिका जी। और शिवेंद्र, गृह मंत्रालय कोई जानकारी? देखिए, गृह मंत्रालय को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी हम बताएंगे। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री होंगे, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है दीपिका। गजेंद्र सिंह खींवसर जो लोहावट से विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वसुंधरा राजे की सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पहले वो ऊर्जा मंत्री रहे थे, इस बार उनको मेडिकल मिला है, चिकित्सा मंत्री होंगे गजेंद्र सिंह खींवसर। और ये मंत्रियों के पोर्टफोलियो की सूची मैं फिर दोहरा रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट इंडिया राजस्थान के पास है, सिर्फ हमारे पास वो सूची है जिसमें हम बता रहे हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। तो एक और नाम आया है गजेंद्र खींवसर, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े राजपूत नेता के तौर पर इनकी पहचान है,
लोहावट से चुनाव जीता है, उनको चिकित्सा मंत्री बनाया गया है, गजेंद्र सिंह खींवसर को चिकित्सा मंत्री बनाया गया है, ये इस समय की बड़ी खबर है दीपिका। एक एक करके जो नाम है, शिवेंद्र बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ग्रामीण विकास और पंचायती राज दिया गया है, दिया कुमारी की बात की जाए उनको भी वित्त और पीडब्ल्यूडी की जानकारी आप दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको जानकारी दे रहा है और सबसे पहले जानकारी बेहद अहम है, विभागों का बंटवारा। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जयपुर में हो चुका है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही शाम को जयपुर आने वाले हैं और वो बीजेपी मुख्यालय में बैठक भी लेंगे। शिवेंद्र, और कोई जानकारी मिल रही है क्या, और कोई विभाग जिनके पता चल पाया हो? देखिए बिल्कुल दीपिका, आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि सूची हमारे पास ही है, एक एक करके और नाम आ रहे हैं। थोड़ी देर में मैं दर्शकों को बता पाऊंगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि पहली बार विधायक बने हैं, झोटवाड़ा से उन्होंने चुनाव जीता है, उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट है उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, गजे जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा दूं, मेरे पास जो सूची है उस सूची के अनुसार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वित्त मंत्रालय दिया गया है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर्यटन मंत्री भी होंगी, इसका भी चार्ज उनको मिला है। कन्हैया लाल चौधरी जो कि मालपुरा से विधायक हैं, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, ये PHED यानी कि पानी के मंत्री होंगे, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री इनको बनाया गया है। संजय शर्मा जो कि दूसरी बार के MLA हैं, अलवर शहर से जीते हैं, पहली बार इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, ये वन मंत्री होंगे, वन मंत्रालय दिया गया है संजय शर्मा को। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा जो कि सवाई माधोपुर से जीते हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, पूरे 5 साल विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा रहे, अशोक गहलोत सरकार के नाक में दम की उन्होंने, बड़े बड़े आंदोलन किए, चाहे वो गणपति प्लाजा के